जंगल से प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करता है, बहुत अच्छी बात है और प्रकृति से प्यार करना चाहिए, वातावरण शुद्ध रहता है, ये बात सही है। इसके साथ मैं कटु सत्य भी आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ आदिवासी भाई, कुछ आदिवासी यूथ अपराध की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा से विमुख हो रहे हैं। यदि अपन आदिवासी भाई यदि ये एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी ताकत दिखा सकते हैं तो हमें आदिवासी भाई शिक्षा में भी अग्रसर होकर के अपनी ताकत दिखा सकते हैं, अपराध से रहित आदिवासी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब अपन एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं तो निश्चित रूप से अपराध मुक्त आदिवासी भी बना सकते हैं, इस जिले को आदिवासी अपराध मुक्त जिला बना सकते हैं। इस मुहिम में सिर्फ जो अग्रज है वो ही नहीं, हर एक यूथ के माता पिता और उसके संरक्षक की जिम्मेदारी होती है कि शाम के समय जब अपने पूर्वज या अपने अग्रज जब खाना एक साथ बैठ देते खाया करते थे और उस समय दिन भर की बातें करा करते थे, वो आज बंद हो गया है। आज माता पिता अपनी बेटी से बात नहीं करता है, माता पिता अपने बेटे से बात नहीं करता है। ये जो दूरी बन रही है इस दूरी को कम करें और शाम के समय अपने बेटे से अपनी बेटी से जरूर बात करें। बेटा दिन भर में तूने क्या किया और बेटी तूने दिन भर में क्या किया और क्या तेरे को नहीं करना चाहिए था, ये बात माता और पिता बताएंगे। यदि माता और पिता जब अपने बेटा और बेटी को बताने लग जाएंगे तो मेरा मानना है कि आदिवासी समाज में अपराध खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।